हेलो फ्रेंड्स, मेथी मलाई चिकन बनाने के लिए हाफ के जी जो है मैं चिकन ले रही हूँ, जिसमें मैं 3 चम्मच दही डाल रही हूँ। इसमें 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और रेड चिल्ली आप टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं, मैंने 1/2 स्पून डाली है। नमक भी आप अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। सभी मसालों को ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मैं इसे हाथ से मिक्स कर रही हूँ और इसे मैरिनेट होने के लिए हम साइड में रख देंगे। इसके बाद हम आगे की प्रिपरेशन चालू करेंगे। ये मैंने एक पेस्ट रेडी किया था, जिसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज, हरी मिर्ची आप अपने टेस्ट के अनुसार 4 से 5 डाल सकते हैं जैसा आपको टेस्ट लगे, और इसमें 8 से 9 काजू और 2 से 3 कलियां मैंने लहसुन की डाल के ये पेस्ट रेडी किया था। अभी मैंने पैन रखा है और इसके अंदर मैं 1 चम्मच देसी घी ऐड कर रही हूँ और 2 से 2.5 चम्मच जो है वो रिफाइंड ऑयल का आप ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो देसी घी की जगह पर बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/2 चम्मच जीरा, 1 तेज़पत्ता, 4 से 5 काली मिर्ची, 3 लौंग और 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का ऐड करके इसको हम भूनेंगे। और जैसे ही ये मसाले जो हैं खड़े मसाले, इनको भूनने के बाद जो हमने पेस्ट रेडी किया था उसे इसमें ऐड कर देंगे। अब इसे हम भूनेंगे जब तक कि ये जो तेल है ये साइड में नहीं आ जाएगा। ये मैं आपको आइडिया दे रही हूँ कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा ये मसाला भुन गया है। ये देखिए, ये हमारा मसाला भुन चुका है। अब इसमें 1/4 टेबल स्पून हल्दी का ऐड करेंगे। आप चाहें तो हल्दी स्किप भी कर सकते हैं। ये मैंने 1 बंच मेथी की, फ्रेश मेथी जो होती है मार्केट में मिलती है, उसको मैंने काट कर अच्छे से धोकर साफ़ किया हुआ है, इसे हम इसमें ऐड करेंगे। यदि आपको ग्रीन मेथी नहीं मिले, यानी आप ऐसे सीज़न में ये बनाने की ट्राई कर रहे हैं कि जब आपको मेथी इजीली मार्केट में नहीं मिल रही, तो आप ड्राई मेथी लीव्स भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे हम भूनेंगे 4 से 5 मिनट तक। ये मैंने हल्का सा नमक डाल दिया है। ये देखिए, अभी फिर से साइड में ऑयल आया है तो ये भुन चुकी है। अब इसमें हम मैरिनेट किया हुआ चिकन जो है वो ऐड कर रहे हैं और मेथी और चिकन को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे भी हम 4 से 5 मिनट तक इसी तरह चलाते रहेंगे ताकि चिकन अच्छे से भुन जाए। अगर हम पहले पानी ऐड कर देंगे तो हमारा जो चिकन है वो ज़्यादा गल सकता है, इसलिए ये भूनना ज़रूरी है। ये देखिए, अच्छे से भून चुका है और मेथी की अच्छे से कोटिंग हो चुकी है चिकन के ऊपर। अब इसमें हम पानी को ऐड करेंगे। पानी आप अपना जैसे आपको ग्रेवी चाहिए उसके हिसाब से ऐड कीजिए। मुझे ये ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए, सूखा सूखा चाहिए। यदि आपको राइस के साथ खाना है तो आप ग्रेवी बढ़ा सकते हैं। अब 1 उबाल आने तक वेट करेंगे। इसमें उबाल आ चुका है। अब फ्लेम को कम करके और ढक्कन लगाकर लगभग 1/2 घंटे के लिए इसे इसी तरह पकने के लिए छोड़ देंगे। आधे घंटे के बाद ये देखिए, हमारा चिकन मेथी मलाई रेडी है। काफ़ी अच्छी खुशबू भी आ रही है। हम
100 ml क्रीम अमूल की मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आपके पास यदि क्रीम नहीं है तो आप घर की फ्रेश मलाई भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और क्रीम ऐड करने के बाद भी हमें इसे इसी तरह चलाते रहना है 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि ये जो क्रीम है ये अच्छे से मिक्स हो जाए। ये हमारी चिकन मेथी मलाई सर्विंग के लिए रेडी है। मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है। आप अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से इसे गार्निश कर सकते हैं। मैं इसे अमूल क्रीम और धनिया पत्ती के साथ गार्निश करने जा रही हूँ। आप इसे पराठे के साथ, नान के साथ सर्व कर सकते हैं। खाने में बहुत टेस्टी लगता है। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं और इसी तरह की रेसिपीज़ और आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिलें। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और आपका फीडबैक कॉमेंट बॉक्स में दीजिए, और प्लीज़ शेयर कीजिए।